नए जोश नए उत्साह के साथ इस भव्य प्रांगण में अपना स्थान ले रहे हैं। हम सब प्रतीक्षारत हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि के। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं परमादरणीय श्री वीएसके कौमुदी, विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार, जिनका कुछ ही क्षणों में आगमन होने वाला है। साथ में होंगे हमारे बल प्रमुख श्री संजय अरोरा। दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक खेल तीरंदाजी खेल। तीरंदाजी शब्द की उत्पत्ति आर्कस शब्द से हुई, जो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ धनुष और तीर होता है। प्राचीन समय से आत्मरक्षा के लिए यही एक विश्वसनीय हथियार माना जाता था। आज गांवों, शहरों, राज्यों, अंतरराज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल को अलग पहचान मिली है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की तैनाती अति दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों एवं अति दूर गुजरात पुलिस, हरियाणा पुलिस, जम्मू और कश्मीर पुलिस, झारखंड पुलिस, लद्दाख पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, मणिपुर पुलिस, ओडिशा पुलिस, राजस्थान पुलिस, आरपीएफ, एसएसबी, तमिलनाडु पुलिस, तेलंगाना पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस। और आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आज उत्तराखंड राज्य का जन्मदिन है, स्थापना दिवस है इस राज्य का। यहाँ के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। पंजाब पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी की टीम, ये टीमें इस उद्घाटन समारोह में आज यहां पर मौजूद हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा आपको अवगत कराना चाहते हैं कि वर्ष 2004 में बल की केंद्रीय तीरंदाजी टीम के सदस्य सब इंस्पेक्टर सत्यदेव द्वारा एथेंस ओलंपिक 2004 में प्रतिभाग किया गया। वर्ष 2007 में टीम द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अनेकों पदक अर्जित किए गए। वर्ष 2012-13 में अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा तीरंदाजी को अखिल भारतीय पुलिस गेम्स में शामिल किया गया तथा झारखंड पुलिस द्वारा प्रथम अखिल भारतीय
पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। आपको अवगत करा दें कि आयोजित की जा रही 10वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में जो हमारे स्टार्स हैं, हमारे सितारे हैं, उनके बारे में अवगत करा दें। आईटीबीपी की ओर से इंस्पेक्टर प्रियांग, जिन्होंने रिकवर इवेंट में वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल हासिल किया है, कांस्टेबल जीडी सुमिता कुमारी, इन्होंने भी रिकवर इवेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया है, कांस्टेबल अनिल कुमार कंपाउंड इवेंट में, ये भी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं, कांस्टेबल दीपक ये भी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं, और कांस्टेबल एस वसंता ये भी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं। साथ ही सीआरपीएफ की टीम में कांस्टेबल जीडी भगवान दास, जो कंपाउंड इवेंट में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं, कांस्टेबल जीडी ईशिता, जो कि रिकवर इवेंट में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं, और कांस्टेबल सुमन ये भी रिकवर इवेंट में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं। हमारे बीच राजस्थान पुलिस से डीपीएसपी रजत चौहान साहब, जो कि अर्जुन अवार्डी हैं, जोरदार तालियां बजाएं रजत चौहान जी के लिए, और ये हमारा सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अर्जुन अवार्डी, जिन्होंने देश के लिए नाम देश का रोशन किया है और अपने राज्य व देश के लिए इन सभी ने अनेकों पदक अर्जित किए हैं, आज इस भव्य प्रांगण की और 10वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता की शोभा बढ़ा रहे हैं। साथ ही श्री रजत चौहान एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इंस्पेक्टर सर्वेश ये भी सीआरपीएफ से हैं, कंपाउंड राउंड में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं। सीआरपी से ही कांस्टेबल प्राची, जो रिकवर राउंड में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं। कांस्टेबल श्रीमती सुप्यार, जो कंपाउंड राउंड में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं, और कांस्टेबल रवि शर्मा ये भी राजस्थान पुलिस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं। एक बार इन सभी सितारों के लिए जोरदार तालियां, आपसे अनुरोध है कि ये इस भव्य प्रतियोगिता की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से कांस्टेबल चमन, जो रिकवर इवेंट में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं, कांस्टेबल पवन, कांस्टेबल राजन और कांस्टेबल सुरजीत, ये सभी खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता की शोभा बढ़ा रहे हैं। और असम राइफल से कांस्टेबल जेड डेमो इंडियन राउंड में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज है, कांस्टेबल जी रॉबर्ट ये भी कंपाउंड राउंड में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज है, और कांस्टेबल सुंदर रिकवर राउंड में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं, ये असम राइफल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे बीच झारखंड पुलिस की टीम मौजूद है, जहां पर इंस्पेक्टर जानू हंसदा ये कंपाउंड राउंड में कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, जोरदार तालियां इनके लिए भी। और झारखंड पुलिस से ही एएसआई ज्योति कुमारी ये भी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं। एक बार सभी तीरंदाजों के लिए, सभी सितारों के लिए जोरदार तालियां जरूर बजा दें। पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमें ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज मौजूद हैं, जो 10वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता की शोभा निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। 39वीं वाहिनी के इस भव्य प्रांगण में 10वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ समारोह किया जा रहा है। प्रतियोगिता में पारदर्शिता हेतु भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा नामित स्टाफ की देखरेख में प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। 10वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता को 3 श्रेणियों में आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें रिकर्व, कंपाउंड व इंडिया राउंड महिला व पुरुष खिलाड़ी व्यक्तिगत एवं टीम स्पर्धा में
प्रतिभाग करते हैं, बल्कि केंद्रीय तीरंदाजी टीम के रिकर्व श्रेणी में वर्तमान में महिला राष्ट्रीय चैंपियन आईटीबीपी की सिपाही जीडी दीप्ति कुमारी है। तीरंदाजी के रिकर्व श्रेणी में 8 पुरुष व 7 महिला इवेंट्स होते हैं। कंपाउंड श्रेणी में 6 पुरुष व 5 महिला इवेंट्स होते हैं तथा इंडिया राउंड में 6 पुरुष व 5 महिला इवेंट्स होते हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे आज के इस शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, परम आदरणीय श्री वीएसके कौमुदी, विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार। हम सभी प्रतीक्षारत हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय के लिए, और मुख्य अतिथि महोदय से को अपना परिचय देने हेतु सभी ऑफिशियल्स टीम मैनेजर मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं और हम प्रतीक्षारत हैं मुख्य अतिथि महोदय के। साथ में होंगे हमारे बल प्रमुख श्री संजय अरोरा।
आपको अवगत करा दें कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आगमन इस परिसर में हो चुका है और कुछ ही क्षणों में मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होगा। किले की प्राचीर से बिगुलर उद्घोष करेंगे मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का। साथ ही आप देख सकते हैं 39वीं वाहिनी का ये भव्य प्रांगण, सजा धजा आवरण, आईटीबीपी के चुनिंदा बिगलर्स और किले की दीवार पर आप देख सकते हैं आईटीबीपी के लॉन्सर्स जो बहुत चुस्त और सुंदर पोशाक में अपने अपने स्थानों पर डटे हैं। 10वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता जिसका आयोजन 39वीं वाहिनी के इस प्रांगण में किया जाएगा, आज दिनांक 9/11/2021 को इसका विधिवत उद्घाटन होगा और हम सब मौजूद हैं इस उद्घाटन समारोह में। अलग अलग राज्यों से पधारे ये सभी तीरंदाज आने वाले 5 दिनों में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। मुख्य अतिथि महोदय अधिकारी मैस से प्रस्थान कर चुके हैं इस भव्य प्रांगण के लिए और कुछ ही क्षणों में मुख्य अतिथि महोदय हमारे साथ होंगे। मुख्य अतिथि महोदय के साथ में होंगे यानी उनकी अगुवाई करेंगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक श्री संजय अरोरा। इस 10वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के आयोजन सचिव हैं श्री आरकेडी सिंह, उप महानिरीक्षक एलएनसी और अलग अलग क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं श्री पवन नेगी डीआईजी एडवेंचर, श्री ताशी नमग्याल कमांडेंट स्पोर्ट्स, श्री मुकेश सराफ सेनानी एसएस वानी, श्री अजय सिंह सेनानी 39वीं वानी, श्री कुंदन प्रसाद सेनानी ट्रेनिंग जोन और श्री आईएस दुहन महानिरीक्षक प्रशिक्षण के कुशल मार्गदर्शन में इस भव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सभी पदाधिकारी एसओज व अन्य भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस सुंदर और भव्य प्रांगण को इस प्रतियोगिता हेतु तैयार किया है। श्री विवेक पांडे पीआरओ सेकंड इन कमांड पीआरओ का भी और उनकी टीम का विशेष योगदान है जिन्होंने वंदे गुजरात चैनल 4 और आईटीबीपी के यूट्यूब और फेसबुक हैंडल पर इसका सीधा प्रसारण करवाया है। मुख्य अतिथि महोदय का आगमन मुख्य द्वार पर हो चुका है। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं परमादरणीय श्री वीएसके कौमुदी, विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय,
भारत सरकार। आप आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। किले की बुर्ज से बिगुलर्स उद्घोष कर रहे हैं आज के शुभारंभ समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। श्री वीएसके कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य के आदिलाबाद और गुंटूर जिलों के पुलिस अधीक्षक के तौर पर काम करने के अतिरिक्त आपने हैदराबाद शहर के संयुक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस आयुक्त विशाखापत्तनम के पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आपने आसूचना सुरक्षा विंग सीआईडी की आर्थिक अपराध शाखा, आंध्र प्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण प्रोविजनिंग और लॉजिस्टिक कल्याणों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। आपको समर्पित सेवाओं के लिए भारतीय पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, आंतरिक सुरक्षा पदक और स्पेशल ड्यूटी मेडल जम्मू कश्मीर से भी नवाजा जा चुका है। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि महोदय आज यहाँ पधारे हैं। साथ में है हमारे बल प्रमुख श्री संजय अरोरा। आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 39वीं वाहिनी के भव्य उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। अगुवाई कर रहे हैं हवलदार अभय दास। आंध्र प्रदेश पुलिस को कहते कि महोदय को सम्मान दे दो ऐसा ही चयन। आसाम पुलिस की टीम हवलदार निरुपमा वर्मा की अगुवाई में मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए। जीरो शर्मा की कमान की आसाम
प्रतिभा को सम्मान देते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कमान संभाली है कॉन्स्टेबल चरण ने बीएसएफ का कैंडिडेट मन के सामने सुंदर संवाद दीपक आदि रिप्रेजेंट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस को कांस्टेबल जीडी ओमनी की अगुवाई में सीआरपीएफ की टीम मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करती हुई और गुजरात पुलिस की टीम हवलदार सुरेश की अगुवाई में हरियाणा पुलिस की टीम कांस्टेबल विनोद की अगुवाई में मंच के सामने से गुजरती झारखंड पुलिस की टीम और अगुवाई कर रही है एएसआई ज्योति कुमार इंस्पेक्टर जयमल कमान संभाली है लता और लता पुलिस मंच के सामने कांस्टेबल पार्वती समान समारी है महाराष्ट्र पुलिस की मंच के सामने से प्रतिनिधि महोदय को सम्मान देते हुए राइफलमैन शाहपा मणिपुर पुलिस मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए पुलिस अगुवाई की है कांस्टेबल रंजीत नायक राजस्थान पुलिस मंच के सामने कमान संभाली है एसआई सामेश पारी रेलवे सुरक्षा बल कमान संभाली है कांस्टेबल नीतीश कुमार एसएसपी प्रेसिडेंट मंच के सामने से उतरता मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान के लिए खिलाड़ी
सादर अनुरोध। श्री संजय अरोरा महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से व मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में कृपया स्वागत भाषण देने की कृपा करें। आदरणीय श्री संजय अरोरा। आदरणीय श्री वीएसके कौमुदी विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा भारत सरकार, प्रतियोगिता में भाग ले रहे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रतिभागी अधिकारीगण, सम्मानित निर्णायक मंडल, मीडिया के मित्रगण और हिमवीर साथियों, 10वीं अखिल भारतीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021 के शुभारंभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आईटीबीपी परिवार और प्रतियोगिता के आयोजन समिति की ओर से श्री वीएसके कौमुदी विशेष सचिव गृह मंत्रालय का विशेष तौर पर आभारी हूं कि आपने 10वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। थैंक यू सर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए यह गर्व का विषय है कि 10वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी आईटीबीपी को सौंपी गई है। अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 2012-13 से ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा की गई थी। इस प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण का सफल आयोजन वर्ष 2014 में आईटीबीपी ने ही किया था। वो आयोजन एसएस बटालियन के प्रांगण में सगोली हरियाणा में किया गया। वर्ष 2012-13 से लेकर वर्ष 2021 तक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की केंद्रीय तीरंदाजी टीम ने अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में कई पदक जीते हैं और कई बार अखिल भारतीय चैंपियनशिप में नाम की है। यहाँ 9 से 13 नवंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता के दौरान 3 श्रेणियों रिकर्व, कंपाउंड एवं इंडियन स्तर की प्रतिस्पर्धाएं होंगी। इस दौरान रैंकिंग विद मेडल, इंडिविजुअल टीम और मिक्स इवेंट का आयोजन किया जाएगा जिसमें महिला और पुरुष खिलाड़ी शामिल होंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ विभिन्न राज्यों और अन्य पुलिस संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 350 से ज्यादा खिलाड़ी और टीम प्रबंधन सदस्य शामिल होंगे। हम आशा करते हैं कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी और उनके टीमों के प्रबंधन से जुड़े सदस्य आईटीबीपी के इस आयोजन और व्यवस्थाओं का भरपूर लाभ उठाएंगे और इस प्रतियोगिता की स्वर्णिम यादें अपने साथ लेकर जाएंगे। इस प्रतियोगिता का शुभंकर हिमू है। हिमू एक व्याघ्र शावक की परिकल्पना है जिसका नाम हिमवीर शब्द से प्रेरित है। हिमू तीर और धनुष के साथ बर्फीली भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी के परिधान के साथ सुरक्षा और आत्मविश्वास का प्रतिरूप है। साथ ही वह सच्ची खेल बाता है। हिमू के माध्यम से आईटीबीपी वन्य जीवों के संरक्षण का भी आह्वान कर रही है। मैं 10वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021 के मुख्य अतिथि, अन्य अतिथिगणों, प्रतिभागियों, आयोजकों और प्रबंधन से जुड़े सभी पदाधिकारियों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब हमारा अनुरोध है हमारे बल प्रमुख श्री संजय अरोरा से कि 10वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021 के आयोजन के उपलक्ष में बल की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। श्री संजय अरोरा। महोदय धन्यवाद। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध है कि 10वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा तथा इस शुभ अवसर पर अपने आशीष संबोधन से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। संजय अरोड़ा महानिदेशक
भारत तिब्बत सीमा पुलिस अतिथि गण, दसवीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। हमारा देश खेलों के क्षेत्र में, जगत में तभी शिरोमणि बनेगा जब हमारे खिलाड़ी लगन और निष्ठा के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आधुनिक युग में विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिता के तौर पर तीरंदाजी ने अपनी जगह बनाई है। वर्ष 1970 से भारत में तीरंदाजी के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के चयन, प्रशिक्षण और प्रतियोगी कौशल निर्माण की शुरुआत की गई। जर्मनी के म्यूनिख में 1972 में ओलंपिक खेलों में इसने विशिष्ट पहचान प्राप्त की। तीरंदाजी को अखिल भारतीय पुलिस खेल बोर्ड के द्वारा वर्ष 2012 में 5 पदक, वर्ष 2014 में साउथ कोरिया में आयोजित खेलों में 13 पदक एवं वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित एशियन गेम्स में 12 पदक जीते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 10वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021 हमारे पुलिस बलों के खिलाड़ियों में आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का संचार करेगी। आसूचना ब्यूरो और ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने सभी पुलिस बलों को ऑल इंडिया पुलिस गेम्स के माध्यम से जोड़े रखा है। पुलिस बलों में खेलों के क्षेत्र में यह समन्वय और उत्कृष्टता का प्रतीक है। इस बार भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को 10वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021 के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए मैं श्री संजय अरोड़ा महानिदेशक आईटीबीपी को बधाई देना चाहता हूं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस को जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है इस बल द्वारा उसका निर्वहन विशिष्ट प्रकार से किया जाता है। बल द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन भी हमेशा की तरह उच्च श्रेणी का ही होगा। सभी प्रतिभागियों के लिए इस प्रतियोगिता के दौरान अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करने का यह सुनहरा अवसर है, जिससे कि प्रेरित होकर प्रतिभाएं आगे आए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करें। मैं सभी प्रतियोगियों से अपेक्षा करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी का प्रदर्शन उत्कृष्ट हो। धन्यवाद। जय हिंद। अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021 की विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूं। आप सभी से अनुरोध, कृपया अपने स्थान से खड़े हो जाएं। खेलूंगा तथा
न्याय के अंतर्गत मैं प्रतियोगिता के दौरान अपने बल की गरिमा को बनाए रखूंगा। शपथ लेने के उपरांत सभी टीम कैप्टन पुनः अपने स्थान पर। अब हमारा सादर अनुरोध है श्री ईश्वर सिंह दुहन महानिरीक्षक प्रशिक्षण बल मुख्यालय से कि कृपया धन्यवाद भाषण देने की कृपा करें। श्री ईश्वर सिंह दुहन। परम आदरणीय श्री वी एस के कौमुदी, स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी भारत सरकार, श्री संजय अरोड़ा डीजी आईटीबीपी, श्री अमृत मोहन प्रसाद एडिशनल डीजी हेडक्वार्टर, सहयोगी अधिकारीगण, 10वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021 में शामिल हो रहे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं विभिन्न राज्य पुलिस बलों के प्रतिभागियों, जजेस, मीडिया के प्रतिनिधि, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में पधारने हेतु हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं श्री वी एस के कौमुदी, स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारा आतिथ्य। और इस प्रतियोगिता की ओपनिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारकर हमारा एवं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, जिसके लिए मैं बल तथा सभी आयोजकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आईटीबीपी में पधारे केंद्रीय पुलिस बलों, राज्य पुलिस बलों एवं अन्य संगठनों से सभी पदाधिकारियों का भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी ग्रीमाई उपस्थिति से इस आयोजन में चार चांद लगे हैं। मैं श्री संजय अरोड़ा डीजी आईटीबीपी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं इस प्रतियोगिता के आयोजन में योगदान के लिए बल मुख्यालय के समस्त पदाधिकारियों, विशेष तौर पर स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट, एडम डायरेक्टरेट, प्रोविजनिंग डायरेक्टरेट के सभी अधिकारियों का धन्यवाद देता हूं, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। मैं विशेष तौर पर इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डीआईजी एलएनसी श्री आरएन सिंह, डीआईजी दिल्ली सेनानी एसएस बटालियन सेनानी 39वीं वाहिनी का प्रतियोगिता के आयोजन हेतु की गई तैयारियों के लिए भी धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं पुनः आईटीबीपी आयोजन समिति के सभी सदस्यों एवं प्रतियोगियों की तरफ से मुख्य अतिथि श्री वी एस के कौमुदी, स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स भारत सरकार और उपस्थित सभी पदाधिकारी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी तीरंदाजों को इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च प्रदर्शन करने की शुभकामना प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। महोदय धन्यवाद। इस पर प्रांगण से
विदा ले रहे हैं एक आशा एक उम्मीद के साथ कि उनके सपनों को नए आयाम मिलेंगे नई ऊंचाइयां मिलेंगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आईटीबीपी का ब्रास बैंड फाइव बैंड इस मधुर धुन को बजाता हुआ जिस पर कदम से कदम मिलाते ये सभी खिलाड़ी विदा ले रहे इस भव्य प्रांगण से और ये विश्वास दिला रहे कि आने वाले पांच दिनों यानी दसवीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में ये अपने हुनर अपने शौहर अपने अनुभव से हम सभी को मोहित कर देंगे और अपने अपने राज्यों के लिए अपने अपने पुलिस बलों के लिए अधिक से अधिक संख्या में पदक पदक अर्जित करने का अथक प्रयास करेंगे। ये सभी की रजा सारे जहां से अच्छा की धुन पर किले की प्राचीर में समाते दल के प्रयास बताई बैंक के ये हिंदी हिस्सा ने महोदय पारी प्रदर्शन की पहली कड़ी आईटीबीपी का महिला पाइप बैंड। अगुवाई कर रही है हिमवीरांगना मीना कुमारी। आप सभी से गुजारिश की जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हमारे महिला पाइप बैंड का। अगुवाई कर रही हूं मैं उसके बिल्कुल मीना। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि वर्ष 2016 में आईटीबीपी महिला पाइप बैंड का गठन किया गया और तब से लगातार हमारी एपीपी रंग आईटीबीपी के प्राथमिक यानी अभ्यासरत है और बहुत ही कम समय में हमारे पाइप बैंड पूरे देश में धूम मचा रही है और अपनी कला का प्रदर्शन करती आ रही है। यह है आईटीबीपी का महिला पाइप बैंड आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करती है।
Thank you.
दिवाकर प्रसाद।
I'm
से रूबरू हो रहे हैं आईटीबीपी के ज्यादा जो मोटरसाइकिल पर अपने हैरत अंगेज कारनामों से आपका दिल खुश कर देंगे। आईटीबीपी के जाबाज हमारे जाबाज अपनी कला का प्रदर्शन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सबसे आगे हैं इंस्पेक्टर रजनीश, बॉर्डरमैन सल्यूट करते हुए मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए। कांस्टेबल विनोद गुरदेव, सुशील रविंद्र, इसे कहते हैं जाबाज टू। आपके सामने लोटस फॉर्मेशन, कांस्टेबल अश्विन राकेश, अविनाश चमन, करण। ऊपर आप देख सकते हैं तितली भी झूम रही है। बहुत ही जोखिम भरा प्रदर्शन, लैडर राइडिंग, कांस्टेबल रशीद। सीट राइडिंग करते कांस्टेबल जसप्रीत। इसमें संतुलन बहुत जरूरी है। आपके सामने बैक स्लिपिंग राइडिंग, कांस्टेबल निखिलेश बैरागी। जी हां, एरो पोजीशन, कांस्टेबल लक्ष्मण और शेंडे विजय। आप सभी ने आकाश में जगुआर विमान को उड़ते देखा होगा, लेकिन आपके सामने हमारे जाबाज लेकर आ रहे हैं जगुआर फॉर्मेशन। जोरदार तालियां इनके लिए। जी हां, हम हैं जाबाज, हम हैं हिमवी, फायर निलिंग पोजीशन, चलती हुई मोटरसाइकिल पर दुश्मन को नाकाम कर। शोल्डर राइडिंग, कांस्टेबल सौरभ बख्शी व सुनील। जाबाज वन फॉर्मेशन, कांस्टेबल विनोद कल्याण और जसवीर। ये देखने में आसान लगती है, लेकिन इसमें संतुलन बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं टेल राइडिंग, कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा। लेफ्ट विंग राइडिंग, कांस्टेबल निखिलेश बैरागी। कांस्टेबल चमनगिरी, शेंडे विजय और रविंद्र लेकर आए हैं फिट इंडिया फॉर्मेशन। ये आपको तो लग रहा होगा कि बड़े आराम से बैठे हैं, लेकिन साहब बहुत अभ्यास की जरूरत है। चेयर राइडिंग, एक और हैरत अंगेज प्रदर्शन, जिसे हम कहते हैं सिंगल लेग फॉर्मेशन, कांस्टेबल पी बुबला। हवलदार त्रिमुला राव, कांस्टेबल धर्मेंद्र, मंजीत, विवेक और सुशील। एक्सरसाइज पोल। आपके सामने लेकर आ रहे हैं वाई पोजीशन, कांस्टेबल रमनदीप व भानु। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि आप सब सेल्फी ले रहे हैं, तो हमारे जाबाज कहां पीछे रहने वाले हैं। सेल्फी का जमाना है साहब, सेल्फी फॉर्मेशन।
डबल सीट राइडिंग, आप लोगों का अभिवादन करते हमारे जाबाज। और एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहे हैं कांस्टेबल मोनू, फ्लाइंग राइडिंग फॉर्मेशन लेकर। ये है कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, स्लीपिंग राइडिंग। एक और जोखिम भरा प्रदर्शन, सौरभ पक्षी लेकर आ रहे हैं हैंडल राइडिंग। अगली कड़ी लेकर आ रहे हैं बैक स्टैंडिंग राइडिंग, निखिलेश बैरागी। और इस प्रदर्शन की अंतिम कड़ी यानी पिरामिड जिसे हम कहते हैं, आपके सामने लेकर आ रहे हैं हमारे जाबाज। फोर्स गीत की धुन पर आप सभी से सादर अनुरोध कि फोर्स गीत के सम्मान में कृपया अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। हम सरहद के सेनानी। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम भारत तिब्बत सीमा के हैं प्रहरी सब पहचाने। हम जैसे सैनिक कहीं नहीं, ये सच्चाई सब जाने। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। शौर्य हमारी शान है, दृढ़ता है पहचान। एक बार जोरदार तालियां हमारे जाबाजों के लिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब हमारा सादर अनुरोध हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय से के कृपया इनॉग्रल शॉट हेतु पधारने की कृपा करें। उससे पूर्व हमारा अनुरोध है कमांडेंट स्पोर्ट्स श्री ताशी नमग्याल से कि वे तीरंदाजी प्रतियोगिता का सूक्ष्म परिचय और इसके नियमों से हमें अवगत कराने की कृपा करें। श्री ताशी नमग्याल मुख्य अतिथि महोदय पधार रहे हैं, साथ में है हमारे बल प्रमुख श्री संजय अरोरा, आईजी प्रशिक्षण श्री ईश्वर सिंह दुहन व सम्मानित अधिकारीगण।
श्री ताशी नमग्याल मुख्य अतिथि महोदय को अवगत करा रहे हैं इस प्रतियोगिता के नियमों एवं इवेंट्स के बारे में कि कैसे इस प्रतियोगिता को संपन्न कराया जाएगा। यहां आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि श्री ताशी नमग्याल सेनानी स्वयं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज रह चुके हैं और बहुत अनुभवी तीरंदाज हैं जिन्होंने बल व देश का नाम रोशन किया है। जोरदार तालियां। तीनों इवेंट्स के बारे में मुख्य अतिथि महोदय को अवगत कराया जा रहा है। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी प्रतिभागियों से मेरा अनुरोध, कृपया शांति बनाए रखें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि अपने कर कमलों से इस तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ एक उद्घाटन शूट द्वारा करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, यहाँ पर विराजमान सभी से सादर अनुरोध कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में जोरदार तालियां जरूर बजाएं।
जोरदार तालियां मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ये उद्घाटन शॉट। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा सादर अनुरोध है हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय से कि कृपया जलपान हेतु पधारने की कृपा करें।